अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपकी कोई वीडियो टेक डाउन हुई हो और बगैर किसी वार्निंग के आपकी वीडियो को टेक डाउन कर दिया गया है? आपके पास मेल आया लेकिन वीडियो टेक डाउन होने के बाद आपके पास मेल आता है, लेकिन वीडियो टेक डाउन होने से पहले आपको YouTube ने कोई वार्निंग नहीं दी कि आप इस वीडियो को सुधारिए, इसके अंदर वॉयलेशन है, नहीं तो हम वीडियो को टेक डाउन कर देंगे। तो दोस्तों अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए, मैं सारी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है जफर शेख और आप देख रहे हैं टेक्निकल जफर शेख। तो दोस्तों कुछ दिन पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरी कुछ वीडियोस को एक साथ टेक डाउन किया गया था। 30 वीडियोस मेरी एक साथ एक ही रात के अंदर टेक डाउन हुई थी, और वो कैसे हुई थी कि सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरा एक जो हेटर है वो महाराष्ट्र का है, वो मेरी वीडियोस पर रिपोर्ट करता है। तो उसने क्या किया, कुछ लोगों को कनेक्ट करके अपने साथ और मेरी वीडियोस पे, मेरी जो 30 वीडियोस थी उन पर रिपोर्ट करवाई उसने। रिपोर्ट करवाने के बाद काफ़ी ज़्यादा उस पर रिपोर्ट आई उन वीडियोस पे, और वो वीडियो एक साथ टेक डाउन हो गई। जब मेरे पास टेक डाउन हो जाती है तो मेरे पास मेल आता है कि आपकी ये वीडियो टेक डाउन हो चुकी है। तो मैं काफ़ी परेशान हो गया कि मेरी इन वीडियोस के अंदर ऐसा कोई अल्फाज नहीं था, ऐसे कोई वर्ड इस्तेमाल नहीं किए मैंने कि कोई वॉयलेशन फैला हो। लेकिन फिर भी उसके बाद भी मैंने क्या किया कि मैंने कॉन्टेक्ट किया, यूट्यूब एक्सपर्ट से बात की, तो यूट्यूब एक्सपर्ट ने बताया कि आपकी कुछ वीडियोस के अंदर वॉयलेशन था, इस वजह से वो वीडियोस रिमूव कर दी है यूट्यूब से। तो मैंने उनसे फिर कोशिश की कि मैं और तरीके से अच्छे तरीके से बात करूं, कि मैंने कहा कि मुझे वॉयलेशन बताइए कि मैंने क्या वॉयलेशन किया है। तो उन्होंने फिर बात ख़त्म कर दी कि हम इसके बारे में आपको जानकारी नहीं दे सकते, आपने वॉयलेशन किया है इस वजह से आपकी वीडियोस उड़ी है। तो मैंने सोचा शायद कुछ होगा उसके अंदर ऐसा कुछ। तो मैंने फिर बहुत दिन, दो चार दिन बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, मेरी वीडियोस के अंदर ऐसा कोई अल्फाज कोई वर्ड ही नहीं था, तो वॉयलेशन कैसे हो सकता है, जबकि कुछ वीडियोस तो मिलियन पे गई थी, मिलियन व्यूज आए हुए थे उन पे। अभी कुछ दिन पहले 14 मिलियन वाली वीडियो भी रिमूव कर दी गई है मेरे चैनल से। तो दोस्तों फिर मैंने यूट्यूब एक्सपर्ट से दोबारा से बात की, और मैंने बात करने की कोशिश की, मुझे सर आप ये बताइए कि मेरी कौन सी वीडियो के अंदर, वीडियो के कौन से पार्ट के अंदर मैंने वॉयलेशन किया है ताकि मैं उनको सुधार सकूं। तो उनका कहना यह था कि आपको हम नहीं बता सकते, इस चीज़ की जानकारी हमारे पास नहीं है, बस आपने वॉयलेशन किया है। तो दोस्तों इससे मैं ये समझ गया था कि लोगों ने मेरी वीडियोस के ऊपर रिपोर्ट की है, रिपोर्ट करने के आधार पर YouTube ने मेरी वीडियो को वॉयलेशन समझ के उन्होंने सोचा कि इस वीडियो के अंदर वॉयलेशन है, तो YouTube ने डायरेक्ट रिमूव कर दिया। लेकिन दोस्तों अब जो अपडेट आया है वो ऐसा नहीं है। YouTube की तरफ से जो चेकिंग होगी, अगर आपकी वीडियो पे कितनी भी रिपोर्ट आए, चाहे 1000 भी रिपोर्ट आ जाए, लेकिन फिर भी YouTube आपकी वीडियो को चेक करेगा कि इस वीडियो के अंदर वॉयलेशन है या नहीं। अगर नहीं होगा तो आपकी वीडियो पे चाहे कितनी भी रिपोर्ट आ जाए, आपकी वीडियो रिमूव नहीं होगी YouTube से। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अगली ऐसी ही टेक वीडियो के अंदर, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड, टेक केयर।